पिता ने अपने फर्जंद के रोजा रखने पर इफ्तार का किया आयोजन, मुल्क की तरक्की की मांगी दुआ। डक कस्बे में स्थित ईदगाह मस्जिद प्रांगण में राजा भाई रईस भाई ने अपने फर्जंद फरमान खान 12 वर्ष, अयन खानम 7 वर्ष द्वारा रमजान माह के प्रथम रोजा रखने पर नगर के रोजेदार परिचित परिजनों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की। हाफिज हसन रजा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी समाज जनों के सदस्यों के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कस्बे के कई मोहल्लों से रोजेदार शिरकत फरमाने आते हैं। आयोजनकर्ता राजा भाई रईस भाई ने बताया कि बच्चों के द्वारा रोजा रखने पर खुशी में रोज इफ्तार पार्टी दी गई। इस मौके पर हफीज हसन रजा ने बताया कि रमजान एकता व भाईचारगी की सीख देता है कि हमें मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। इफ्तार से आपसी मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बनता है। इस तरह से कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान एक मुकद्दस महीना है। रोजा इफ्तार बाद सभी ईदगाह मस्जिद पहुंचे, जहां पर नमाज अदा कर देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। क्या पार्टी पर बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज 19वां रोजा मुकम्मल होने को है और 19वें रोजे की खुशी में हमारी पठारी पर से राजा भाई और रईस भाई जी वालों की जानिब से रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि हर मोमिन भाई को रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं कि जिसने रोज़ा इफ्तार कराया उसको रोज़दार के बराबर सवाब मिलता है और रोज़ा रखने वाले में सवाब में कोई कमी नहीं आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि इशाद फरमाते हैं कि चाहे पेट भर के खाना खिलाओ या शरबत पिलाओ या एक घूंट पानी पिलाओ, सभी को रोज़ेदारों को सवाब जो है बराबर मिलता है।